बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैंटास्टिक फूड कुकिंग में आज बन रहा है कस्टर्ड शीर खुरमा। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार क्विक से बनने वाली रेसिपी है। सबसे पहले इसमें आपको चाहिए है 1.5 लीटर दूध। उसके अलावा फिर आपको रिक्वायर्ड है 3 टेबलस्पून चीनी और 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड लेने की रीज़न यही है कि इसका जो टेस्ट है वो बड़ा माइल्ड सा होता है, उसमें कलर नहीं होता। अगर इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, बनाना, कोई और फ्लेवर यूज़ किया जाएगा तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर और कलर आ जाता है। तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है एक हल्का सा टेक्सचर चाहिए कस्टर्ड का, तो वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद ये है बना बनाया पैकेट का शीर खुरमा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये एक पैकेट है। और उसके बाद जो 1.5 लीटर दूध है, इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध सेपरेट करके रख लिया है जिसमें कस्टर्ड मिक्स करना है, क्योंकि कस्टर्ड डायरेक्ट नहीं डालना, उसको दूध में मिक्स करके डालना है। बड़ी ही क्विकली आसान से बनने वाली रेसिपी है, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट इट। इसको शुरू करते हैं। दूध को चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब जैसे इसको बॉईल आएगा फिर इसमें मैं शामिल करती हूँ शीर खुरमा। मिल्क बॉईल हो रहा है और अब इसके अंदर ये शीर खुरमे का सारा जो पैकेट था उसको मैंने डाल दिया। आग थोड़ी सी धीमी कर दी और दरमियानी आंच पे इसको कुक करना है जब तक कि सेवियां गल नहीं जाती। जब तक सेवियां गल रही हैं, इन द मीन वेल अब दूध और कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, कस्टर्ड मिल्क को मिला दें या आप जिस तरह से भी मुनासिब लगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई लंप ना रहे, ये बड़ा एक स्मूथ सा टेक्सचर जो है ये बन जाए। सेवियां गल चुकी हैं, अब इस पॉइंट पे इसमें जाएगा कस्टर्ड। थोड़ा सा डालना है और उसको मिक्स करना है। फिर रिमेनिंग आपने इसमें डाल देना है और उसको मिक्स कर देना है। इस पॉइंट पे चीनी टेस्ट कर लें। जो इसके अंदर पैकेट में चीनी होती है वो मोस्टली फीकी ही हो जाती है। अब जब ये मिक्स हो गया कस्टर्ड अच्छा सा, तो इस पॉइंट पे चीनी डालें। देखिए थिक थिक से बबल बन रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट ये हमारी जो रेसिपी कंप्लीट हो रही है। बहुत मज़े की क्विक बनती है, डू ट्राई इट। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू रेसिपी अपलोड हो तो वो फ़ौरन आपको मिल जाए। अगर आपको रेसिपीज ईजी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए बस ये कंप्लीट हो गई है। इसको अब मैं सर्विंग बाउल में डाल दूंगी। आपकी मर्जी है, इसको गरम जो है आपने खाना है या ठंडा करके खाना है, दोनों तरह से बहुत मजे का लगता है, ठंडा भी और गरम। बहुत ही मजेदार सा झटपट कस्टर्ड शीर खुरमा तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर अभी तक आपने फैंटास्टिक फूड कुकिंग को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको फौरी तौर पे रिसीव हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह। खुदा हाफिज़।